कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को शुरू करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, मगर इस बीच केंद्र सरकार के साथ दो गैर बीजेपी राज्यों के बीच घरेलू उड़ानों को लेकर रार पैदा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू करने का ऐलान किया है, मगर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने अब तक इस फैसले पर अपनी रजामंदी नहीं दी है। एक ओर जहां महाराष्ट्र ने अपने पुराने आदेश में अभी तक संशोधन नहीं किया है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ने केंद्र से स्पष्ट जानकारी की मांग की है। केंद्र ने भले ही 25 मई से घरेलू उड़ानों की बहाली की योजना बना ली हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई के अपने लॉकडाउन आदेश में अब तक संशोधन नहीं किया है, जिसमें केवल कुछ खास तरह की उड़ानों को ही अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने 19 मई को कोरोना वायरस लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था, जिसके हिसाब से राज्य में यात्रियों की सभी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तब तक प्रतिबंधित रहेगी। घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा संबंधी उड़ानें अपवाद होंगी। कोरोना संकट के बीच उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है और अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। दिल्ली में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला, जहां सफदरजंग मौसम स्टेशन ने 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। इतना ही नहीं, शनिवार को कई राज्यों में पारा 45 डिग्री को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 27 मई तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली में शुष्क गर्म हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 28 मई की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा, जिससे धूल भरी आंधी आएगी या गरज के साथ बारिश हो सकती है। 28 मई के बाद निचले स्तर की तेज हवाएं कुछ राहत ला सकती है। भारत के मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि अगले 4 से 5 दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में गंभीर गर्मी का असर पड़ने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था संभालने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस के जवानों को प्रेरित करने की रणनीति और पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने की कवायद अन्य राज्यों से श्रेष्ठ प्रयोग के तौर पर साझा की गई है। मजदूरों को लेकर हो रही तमाम आलोचना के बीच यूपी में पुलिस बलों द्वारा प्रवासी मजदूरों का भीड़ प्रबंधन भी कारगर रणनीति माना गया है। दरअसल कोरोना संकट से पुलिसकर्मियों पर काम का बोझ बढ़ गया है, उन्हें कई घंटे अतिरिक्त ड्यूटी करनी पड़ रही है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा वेबिनार में यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च स्तर से निचले स्तर के जवान तक सीधा संवाद करने की रणनीति और पुलिस बलों का मिल रहे लोगों के समर्थन व सहयोग का असर है कि छुट्टी पर गए पुलिसकर्मी भी वापस लौटकर ड्यूटी करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक उछाल देखने को मिला है और देश में अब तक कोरोना वायरस के 3,30,098 मामले पाए गए। इसके साथ ही संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को ब्राजील में कोरोना वायरस पॉजिटिव 20,803 नए मामले सामने आए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,001 से बढ़कर 21,048 हो गई है। वर्तमान में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अमेरिका दुनिया में 16,782 मामलों और 95,972 लोगों की मृत्यु के साथ पहले स्थान पर है। ब्राजील के साओ पाओलो राज्य में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले देखने को मिले। यहां कोरोना वायरस से अब तक 76,871 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जबकि इस वायरस से मृत्यु दर 30% है। IBGE सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार दूसरे नंबर पर रियो डी जेनेरियो आता है। राजधानी शहर में कोरोना वायरस मृत्यु दर 12.7% है, जो कि राष्ट्रीय मृत्यु दर से दोगुना है। देश में एक महीने के अंतराल में अब तक 2 स्वास्थ्य मंत्री बदले गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के ऊपर देश में लगे लॉकडाउन को खोलने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब देश इस महामारी के चरम पर है। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,000 को पार कर गया। 19 मई को कोरोना पॉजिटिव मामले 4,926 थे, जबकि शनिवार को यह संख्या 6,017 तक पहुंच गई। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा प्रवासी मजदूरों के कारण बढ़ा है। ये प्रवासी मजदूर शनिवार तक 1,423 की संख्या में संक्रमित हो चुके हैं। शनिवार को कोरोना से 3 मौतें भी हुई। पिछले 24 घंटे में 288 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। शुक्रवार की तरह शनिवार को भी जौनपुर में सबसे ज्यादा 32 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। शनिवार को ही 3 मौतों में फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर में 1-1 मौत हुई। इस तरह प्रदेश में अब तक 155 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 82 मरीज ठीक होकर घर चले गए। अब तक 3,406 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं।